नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन आयुर्वेदा और मेरा नाम है मेघा। स्वागत करती हूँ आप सभी का। वेल, हाई बीपी से लेकर कैंसर को रोकते हैं ये छोटी सी हरी मिर्च, लेकिन आपको इसे खाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होगी, कहीं ऐसा ना हो आपको लेने के देने पड़ जाएं। क्या है ये पूरी खबर, इसे जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और अपने काम का लगे तो इसे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। हरी मिर्च एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके बिना ज़्यादातर भोजन अधूरा सा लगता है। अगर आप खाने में बनाते वक्त मिर्च नहीं डालते तो आप बाद में एक हरी मिर्च लेकर खा सकते हैं, वही क्रिस्पीनेस और वही बढ़िया स्वाद खाने में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीखी हरी मिर्च खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मिर्च खाते ही नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता होता। सब्जी और दाल के साथ लोग सलाद में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खाने के साथ कई लोग 2-3 हरी मिर्च तक चबा जाते हैं, लेकिन क्या ये सही है? आज आपको इसी बारे में तो बताएंगे कि आखिर हरी मिर्च के ऐसे कौन से फायदे हैं। हरी मिर्च के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यही नहीं, इसके अंदर बीटा कैरेटिन, लूटिन, जक्सिंथिन और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो चलिए बताते हैं सेहत पर इससे क्या असर होता है। वजन कम करती है भाई। मोटापे से इंसान को कई सारी सेहत से जुड़ी परेशानी होती है, कई बार बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाता है। अगर हरी मिर्च का सेवन करेंगे तो ये वजन कम करने की परेशानी से छुटकारा भी दिला सकती है। आंखों के लिए फायदेमंद होती है। आंखों को सेहतमंद रखने के लिए हरी मिर्च खाना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरेटिन होता है जो आंखों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आंखों की रोशनी को तेज करने में बहुत हेल्प करते हैं। कैंसर के खिलाफ है कारगर। कैंसर को काफी हद तक आप हरी मिर्च खाने से दूर रख सकते हैं। भाई, जिसे हो गया है वो तो कैंसर का इलाज कराए, लेकिन जो नहीं चाहता कि उसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ना हो, वो अपने खाने में एक हरी मिर्च तो रोज खा ले, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर की आंतरिक सफाई करते हैं, साथ ही फ्री रेडिकल से आपको बचाते हैं। दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है भाई। हरी मिर्च का सेवन आपके दिल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके हार्ट को एक सुरक्षा देता है ताकि वो रोगों से लड़ पाए। इसके अंदर कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मिर्च को तीखा और उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाता है, और यही तो आपके दिल की सेहत को बढ़िया रखता है। भाई, स्किन के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है और हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए विटामिन ई की बहुत ज़रूरत होती है। इससे आपके चेहरे में कसाव बना रहेगा, आप हमेशा जवां और खूबसूरत भी रह सकते हैं। आपके डाइजेशन को भी सुचारू रूप से चलाने में हरी मिर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हरी मिर्च गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार पर सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या है भाई? एक तरह का विकार है जिसमें आप खाना पचा नहीं पाते, आपको दस्त होने लगते हैं, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये आपके बिगड़े हुए पाचन तंत्र को सुधार देती है, और तो और ये आपके सर्दी जुकाम को भी दूर करती है। इसके अंदर कैप्सिसिन होता है जो आपके म्यूकस मैम्ब्रेन को उत्तेजित करता है, और म्यूकस मैम्ब्रेन हमारी नाक के अंदर होता है जो हमारी बंद नाक को खोल देता है और सर्दी खांसी से तुरंत हमें राहत दिलाता है। अब भाई, इतने सारे फायदे हमने आपको गिनवा दिए, तो आप रोज़ एक मिर्च तो खा ही सकते हैं। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। हरी मिर्च के अंदर कैप्साइसिन होता है जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही इसमें एंटी हाइपर सेंसिटिव गुण होते हैं। ये गुण आपके उच्च रक्तचाप को कंट्रोल बनाए रखते हैं। अब जान लेते हैं भाई, आपको हरी मिर्च एक दिन में खानी कितनी है? इतने सारे फायदे लेके डोल रही है ये, तो आपको बता दें एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 हरी मिर्च खाएं, नहीं तो आप एक हरी मिर्च खाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत है। कुछ लोग खाने के साथ 4-5 हरी मिर्च खा जाते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप एक दिन में ज़्यादा 2 और कम से कम 1 हरी मिर्च तो खाने के साथ ज़रूर खाएं। आप चाहें तो दोपहर के खाने में मिर्च खा सकते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे जीवन आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें।